जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन नेवी सेलर्स स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2021-2022 के बारे में, जो कि आपकी जनवरी 2022 बैच के लिए निकाली गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इस फॉर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाता है इस भर्ती को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहां पर दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपको खुद भी डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। इसके बाद आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in आ जाएगी, ये आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको होम पेज पर यहां पर टुडे बेस्ट जॉब के अंदर और जो रिसेंट पोस्ट है इसके अंदर देखने को मिलेगा इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2021-2022, ये पोस्ट आपको ओपन कर लेनी है। पोस्ट ओपन होने के बाद आपके सामने भर्ती की जानकारी आ जाएगी, बट पहले मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी दिखाता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि ये भर्ती आपकी जनवरी 2022 बैच के लिए निकाली है, जिसमें कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि मेधावी खिलाड़ी ही अप्लाई कर पाएंगे। और इन खिलाड़ी का जो लेवल है यानी कि किन लेवल पर इनका खेलना आवश्यक है तब जाकर के एलिजिबल हो पाएंगे। तो आपके यहां पर लेवल है इंटरनेशनल, जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, इसके अलावा सीनियर स्टेट चैंपियनशिप, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स। बेसिकली ये वो लेवल है जिन लेवल पर आपका इन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेशन या फिर खेलना जरूरी है, तभी जाकर के आप इन पोस्ट पर एलिजिबल हो पाएंगे। गेम्स यहां पर आपके काफी सारे हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, स्क्वैश, फेंसिंग, गोल्फ, टेनिस, रोविंग, शूटिंग, सेलिंग एंड विंग सर्फिंग। ये आपके वो सभी गेम्स है या फिर इवेंट्स है जिनके अंदर आपका पार्टिसिपेशन इन लेवल के ऊपर होना चाहिए, तब जाकर के आप एलिजिबल हो पाएंगे। अभी हम बात करते हैं और डिटेल में। तो यहाँ पर मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, जो कि आप भी खुद से यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर के डाउनलोड फॉर्म PDF या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में इस भर्ती के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपकी पहली पोस्ट है डायरेक्ट एंट्री PT ऑफिसर। इस पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन आपसे 12वीं मांगी है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में कितनी भी परसेंटेज के साथ 12वीं पास की है, आप इसमें क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फिर जो आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है उसमें आपको यह कहा है कि शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल या फिर नेशनल या फिर स्टेट लेवल या फिर जूनियर, यानी कि इन लेवल पर आपको पार्टिसिपेट या फिर रिप्रेजेंट करना आवश्यक है इन गेम्स के अंदर, तभी आप स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो पाएंगे। इंडिविजुअल इवेंट्स में आपको यहां पर अलग से इसकी जानकारी दी गई है। बात करें आपकी एज लिमिट की, तो इस पोस्ट पर आपकी एज 17 से 22 साल के बीच रखी है, यानी कि अगर आपका जन्म 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है तो आप इसमें एज के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फिर दोस्तों यहां पर आती है आपकी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी कि SSR की पोस्ट। इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है और स्पोर्ट्स प्रोफेंसी में आपको यह कहा है कि आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है इंटरनेशनल या फिर नेशनल या फिर स्टेट। अगर आपने इन तीन लेवल में से किसी भी लेवल पर इन गेम को खेला है तो आप इसमें तभी एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा आप इसमें एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट आपकी इस पोस्ट पर 17 से 21 साल के बीच रखी है, यानी कि अगर आपका जन्म 1 फरवरी 2001 से लेकर के 31 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एज वाइज एलिजिबल हो पाओगे। फिर आती है मैट्रिक रिक्रूट यानी कि MR। इस पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन आपसे 10वीं मांगी है और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी में आपको यह कहा है कि आपका पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट लेवल पर होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। यूनिवर्सिटी या फिर जूनियर लेवल पर पार्टिसिपेशन वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एज यहां पर दोस्तों आपकी जो रखी है 17 से 21 साल है, यानी कि अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 2001 से लेकर के 31 मार्च 2005 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे।
आएंगे। फिर यहाँ पर जो आपको पे एंड अलाउंसेस यानी कि सैलरी क्या दी जाएगी, तो आपको ट्रेनिंग के दौरान 14,600 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके बाद आपको लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी जो कि 21,700 रुपये से लेकर 43,100 रुपये होती है। साथ ही आपको 5,200 रुपये का MSP भी दिया जाएगा। तो ये हुई आपकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की जानकारी डिटेल में। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपका डाउट है फिर भी कोई, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अभी यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। तो सिलेक्शन के लिए इन्होंने ये कहा है कि डिजर्विंग कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड टू अपीयर फॉर ट्रायल्स एट डेजिनेटेड नवल सेंटर। यानी कि डिजर्विंग कैंडिडेट को यहाँ पर सेंटर पर बुलाया जाएगा और उनका जो भी स्पोर्ट्स है उसका ट्रायल लिया जाएगा। साथ ही आपको बोला है कि दी ऑफर ऑफ इनरोलमेंट विल बी फॉरवर्डेड टू दी सिलेक्टेड कैंडिडेट ओनली विच विल बी स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड बाई रिक्वायरमेंट इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। यानी कि जो भी आपका स्पोर्ट्स है उसमें जो भी आपकी प्रोफिशिएंसी होगी उन्हीं को फिर यहां पर अपॉइंटमेंट या फिर इनरोलमेंट दिया जाएगा। तो ये हुई आपकी सिलेक्शन की जानकारी। इसमें आपका कोई वैसा फिजिकल नहीं होगा जिसमें कि आपसे दौड़ मांगी जाती है। दौड़ के बारे में यहां पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही आप ये जान लीजिए जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जिनकी हाइट इनसे कम होगी वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे हाइट के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिया है और ये जो आपको फॉर्म भरना है वो आपको ऑफलाइन माध्यम से भरना है। फॉर्म को भरने की जो आपकी लास्ट डेट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप इस फॉर्म को जो भर पाएंगे वो आप लोग 25 दिसंबर 2021 तक भर पाएंगे। और जो कैंडिडेट अलग जगह से बिलोंग करते हैं मैं आपको यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही दिखाता हूं। आप यहां पर इसी नोटिफिकेशन में देखेंगे कि जो कैंडिडेट यहां पर इन जगह से बिलोंग करते हैं जो कि यहां पर आपको जगह दी गई है ये कैंडिडेट 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल कैंडिडेट 25 दिसंबर 2021 और इन जगह से बिलोंग वाले कैंडिडेट 1 जनवरी 2022 या फिर बेसिकली 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 इनके लिए लास्ट डेट होगी। और आप ये भी जान लीजिए कि ये जो आपको फॉर्म भरना है तो आपको ऑफलाइन वे में भरना है और फॉर्म भर करके आपको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना होगा जो कि एड्रेस आपको यहां पर दिया गया है। अभी आप मुझे ये बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि कैसे आपको इसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना है ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसके बारे में। अगर आपके इसके बारे में कमेंट आएंगे तो वीडियो बहुत जल्द आएगी और आपको अच्छे से जानकारी उसके अंदर दी जाएगी और फिर आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही साथ अगर इस भर्ती की एलिजिबिलिटी को लेकर के कोई भी आपका सवाल, कोई भी डाउट हो किसी भी जानकारी में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। बट ध्यान दीजिए, पहले आप वीडियो को वॉच कीजिएगा। वॉच करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ इसको मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं बताया तो अब तो वो सवाल आप वीडियो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर देते हुए मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ यार मैंने ये जानकारी मिस कर दी, अब मैं इनको ये जानकारी बताता हूँ ताकि ये डाउट आपका क्लियर हो जाए। बट अगर आप सेम सवाल पूछते हैं जिसको मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर क्लियर कर चुका हूँ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। और बस मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक जितना ज़्यादा हो सके करें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।